जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें। ट्विटर पर आप देख रहे होंगे कि आज सुबह से आ रही कांग्रेस ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग इसको ट्वीट भी कर रहे हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस नारे से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं से खूब प्यार बटोरा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख़ास तौर पर महिला उम्मीदवारों का जिक्र किया और उनके बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 125 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिनमें 50 महिलाएं हैं। जिन महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस में टिकट दिया गया है, उनमें एक नाम की खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को टिकट दिया है। जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें, और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसके अलावा कुछ पत्रकारों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिया गया है। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशा सिंह के नाम की जानकारी देते हुए कहा है कि वो अपना संघर्ष जारी रखना चाहती हैं। हम चाहते हैं कि वो सत्ता में आए और अपनी लड़ाई खुद लड़ें। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा है कि उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ भाजपा ने अन्याय किया, अब वो न्याय का चेहरा बनेंगी और उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेंगी। आपको बता दें, इसके अलावा शाहजहांपुर से आशा वर्कर पूनम पांडे को भी टिकट दिया गया है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ पुलिस ने मारपीट की थी। इसके साथ साथ सदफ जफर को भी टिकट दिया गया है, जिन्हें CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वह अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्र समन्वयक भी हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ था। उस लड़की ने रसूख के विधायक कुलदीप सेंगर पर आरोप लगाया था। आपको बता दें, रेप के केस में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। रेप और हत्या केस में सेंगर अभी जेल में ही हैं और खबरों की माने तो आगे भी जेल में ही रहेंगे। बहरहाल, आप इन मुद्दों पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। तो ये थी इस खबर के पीछे की पूरी जानकारी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।